एक आदमी ने साधु से कहा, मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताएं। साधु बोला, साले उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता। डॉक्टर, तुम पागल कैसे हुए। पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, तो मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई, उनके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था इसलिए वह मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर, अबे चुप कर, मुझे भी पागल करेगा क्या। एक बस में हरियाणवी ताव सफ़र कर रहा था, तभी साथ वाले मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और धुआं ताव की ओर छोड़ दिया। ताव कुछ नहीं बोला। अचानक खिड़की से आई तेज हवा के कारण बीड़ी से एक चिंगारी निकली और ताव की नई कमीज जल गई। ताव फिर शांत रहा। यह सब देख रहे एक मुसाफिर को शर्म आ गई और सोचा, कितना सब्र वाला नेक इंसान है। माफ़ी मांगने के अंदाज में पूछा, किस गांव के हो ताऊ। ताऊ, क्यों, अब गांव भी फूकेगा के। पिता, बेटा, हमें रोज काम से कम एक नेक काम जरूर करना चाहिए, बताओ आज तुमने कौन सा नेक काम किया। बेटा, मैंने एक आदमी को बस में चढ़ने में मदद की। पिता, शाबाश, मगर कैसे। बेटा, बस चल रही थी और वह आदमी बस के पीछे भाग रहा था, तो मैंने उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के डर से वह और तेजी से दौड़ा और बस में चढ़ गया। एक महिला के तीन दामाद थे, उसके दामाद उसे चाहते भी हैं या नहीं यह जानने के लिए एक दिन वह अपने पहले दामाद को लेकर तालाब के किनारे घूमने गई और उसमें कूद पड़ी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया, सास ने उसे मारुति कार उपहार में दी। अगले दिन दूसरे दामाद के साथ तालाब किनारे घूमने गई और फिर कूद पड़ी। दूसरे दामाद ने भी बचा लिया, सास ने उसे एक मोटरसाइकिल दी। एक दिन बाद तीसरे दामाद को लेकर गई और तालाब में कूद पड़ी। तीसरे दामाद ने सोचा, लगता है मुझे तो यह साइकिल ही मिलेगा, खामा खा मेहनत क्यों करना, फायदा और बचाना नहीं। सासू माँ डूब गई, लेकिन अगले दिन इस दामाद को मर्सिडीज कार मिली। कैसे, अरे भाई ससुर ने दी। न्यायाधीश चोर से, कभी सोचा है कि आखिर तुम जैसे लोगों ने इस देश और समाज का क्या भला होता है। चोर, सोचा है साहब, हम जैसे लोगों के कारण ही तो पुलिस विभाग और न्याय विभाग में हजारों लोगों की नौकरी मिलती है। ग्राहक, लगता है आपके रेस्तरा में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। मैनेजर जी, थैंक यू सर। ग्राहक, हर चीज़ से साबुन की गंध आती है, सूप से, चिकन से, सलाद से और नान से। एक अभिनेता ने उसके पुत्र से पूछा, इतनी गर्मी में घर की खिड़कियों के पर्दे और शीशे क्यों चढ़ा रखे हैं। अभिनेता, अगर पर्दे और शीशे गिरा दिए तो लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े स्टार के पास एयर कंडीशन गाड़ी भी नहीं है। एक वकील अपना ऑफिस खोला, दूसरे ही दिन पहला मुवक्किल आता है दिखाई दिया। जैसे मुवक्किल घुसने लगा, वकील टेलीफोन उठा के दो सेकेंड ठहरो और बोला, देखो राय बहादुर, तुम नाकू जी से कहो कि वह केस जीत गए हैं। फिर आए हुए व्यक्ति की ओर देखकर बोला, जी जनाब फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वह हिचकिचाते हुए बोला, मेरी सेवा नहीं, मैं तो खाली आपका टेलीफोन ठीक करने आया हूँ। महिला, केशियर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कम हो रही है। बैंक मैनेजर, क्या मतलब। महिला कैशियर, पुरुषों ने पैसा गिनकर लेने शुरू कर दिए हैं।
जनगणना का कार्य हो रहा था। जनगणना अधिकारी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप क्या काम करते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी एक कंपनी है। कहाँ? वह देखो। उस व्यक्ति ने कपड़े धोती पत्नी की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया। श्याम, मेरा पत्र कहाँ है? डाकिया, आपका नाम क्या है? श्याम, अब मैं अपना नाम स्वयं क्यों बोलूँ? अच्छा नहीं लगता, देख लीजिए उसी पर लिखा होगा। चिंटू, डॉक्टर साहब, मैं रोज़ बुरा सपना देखता हूँ कि चार सुंदर युवतियों से मेरी शादी हो रही है। डॉक्टर, मगर इसे बुरा सपना क्यों कहते हैं? चिंटू, आपने कभी इतनी औरतों के लिए खाना पकाया होता तो समझते। शिक्षक, योगासन के प्रयोग से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला, हाँ आया तो है, अब वे सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। नीलू, तू उस डॉक्टर प्रेमी ने तुमसे सभी तोहफे वापस ले लिए, उफ कितना बेदर्दी निकला। संगीता, यही नहीं, वह तो जितनी बार भी मिलने घर पर आया उसकी फीस भी मांग रहा था। कुछ महिलाएं गपशप कर रहे थे, वह बोली, बच्चा 2 साल तक पल जाए तो राहत मिलेगी। दूसरी, पर स्कूल जाते समय ये क्या कम परेशान करता है? तीसरी, और किशोर अवस्था में बस भगवान ही बचाए। दादी माँ गंभीरता से बोली, अरे अभी क्या है, जरा 35 साल के होने दो, देखना क्या क्या दिन दिखाता है ये सब। चेतन, अपने घर में हम भी कोई होते हैं? राजेश, क्या सचमुच? चेतन, और क्या, हर रोज मेरी पत्नी रसोई से पुकारती है, जरा खाना बनाकर बर्तन साफ कर दो। पिछले दिनों एक ब्लेड कंपनी ने इस प्रकार सूचना दी कि हमारे बनाए गए ब्लेड बहुत तेज होते हैं। विभिन्न स्थानों में मालूम किया है कि 1000 जेब कतरे पकड़ में आए हैं, उनमें 19% जेब कतरों के पास हमारे द्वारा बनाए गए ब्लेड पाए गए हैं। मंत्री जी की शादी होने वाली थी, उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीना के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीए, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझ जाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। अध्यापिका, परीक्षा के केवल 2 दिन रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। छात्र, मैडम पर्चे किस प्रेस में छप रहे हैं? अध्यापक, ईश्वर ने आंखें किस लिए बनाई है? छात्र, जी देखने के लिए। अध्यापक, और कान? छात्र, जी मुर्गा बनने के लिए। नेता अपने सहायक से, कल जब मैं भाषण दे रहा था तो एक आदमी मेरी नकल कर रहा था, तुम्हें उसे मना करना चाहिए था। नेता सहायक का, नेता से, साहब मैंने उससे कहा था कि बेवकूफ पागलों की नकल नहीं करते। एक यात्री ने बड़े तेज स्वर में रेलवे स्टेशन मास्टर से शिकायत की, 40 मिनट हो गई है, गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर ने कहा, घबराइए नहीं, यह टिकट 24 घंटे तक चल सकता है। बैंक मैनेजर, तो आखिर अपनी बीवी को तलाक दे ही दिया। अकाउंट होल्डर, आपको कैसे पता चला? मैनेजर, आपके अकाउंट में रकम बढ़ती जा रही है। निर्मला, क्यों बहन, क्या आपने हाथ से खाना बनाने में बड़ा फायदा है और किफ़ायत समझा है? विमला, बेशक, क्योंकि मेरे पति जितना पहले खाते थे अब उसका आधा भी नहीं खाते। बालक, माँ से, माँ अपनी पड़ोसन का नाम भी अजीब है। माँ, क्यों, कमला भी अजीब ना होता है क्या? बालक, मगर पिताजी उसे डार्लिंग कहकर बुला रहे थे।
शांति, परसों नगर के टॉप रेस्टोरेंट ब्लू हेवन से 23 लोग उठकर चले गए। जानती हो क्यों चले गए? संतोष, नहीं जानती। क्यों चले गए? शांति, क्योंकि वह खाना खा चुके थे। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।